अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जूस किचन कुकिंग विद लव। आज मैं बनाने वाला हूँ एक टी टाइम स्नैक जिसका नाम है मठरी। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। मैं मेथी की मठरी बना रहा हूँ। आप इसे बगैर मेथी के भी बना सकते हैं। शेल्फ लाइफ भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदे का आटा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून लाल मिर्च। इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम इसमें अब डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और आटे के साथ अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद में इसे मोयन लगाएंगे। तो मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके इसमें डाल दिया है और तेल के ठंडा होने के बाद इसे हाथ से मिक्स करेंगे ताकि आटे के साथ तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसे ऐसे आटे को लेंगे और मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर ये आटा जमा हो जाता है मुट्ठी में, इसका मतलब है कि तेल का और आटे का रेशो बराबर है। और अगर ना होता हो तो फिर से थोड़ा तेल गरम करके इसमें डाल दें। और जब ये इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंद कर तैयार करेंगे। 1.5 कप आटा गूंदने के लिए मुझे टोटल 1/2 कप पानी लगा है और ये मेरा आटा गूंदकर तैयार है। इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो आटा सेट होकर तैयार है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मालिश देंगे और उसके बाद में मठरी बनाएंगे। तो इसके 2 मेथड है। थोड़ा सा आटा लेकर उसे हम लोई बनाएंगे, फिर हथेली से दबाकर उसे एक फ्लैट शेप देंगे। इसे ऐसे बनाएं या फिर एक बड़ी लोई लेकर उसकी एक रोटी बेल लें, हल्की सी जाड़ी रोटी बेलें, फिर ढक्कन या फिर किसी और चीज़ का यूज़ करके उसे गोल शेप में कट कर लेंगे। ये वाला मेथड बहुत आसान है क्योंकि इसमें मठरी का शेप बहुत अच्छा आता है और एक साथ बहुत सारे मठरी बनकर तैयार होते हैं और हम इसका जो थिकनेस है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा जाड़े भी ना बनाएं क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अगर पतले बनाएंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे। तो इस शेप के इतने थिकनेस वाले हम सारे मठरी बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए अब मठरी को फ्राई करते हैं। याद रखिए कि मठरी को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तेल को ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करते हैं तो इसके ऊपर के लेयर तो बन जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो इनको हम पलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। वाह, बहुत अच्छे से मठरी फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब हम इनको निकालते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी मठरी बनकर तैयार हुई है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।